day 3 of edition 4 and today we are going to do something very interesting. So our activity is very interesting, but before that, as you know, we will do a song, then we'll read a story, and then we will do activity. I hope you enjoyed the story yesterday of Elephant. But today I have something else for you. Do you know children, हम जो ये खाना खाते हैं ये कहाँ से आता है? आप टमाटर खाते हो, केले खाते हो, अनार खाते हो, बहुत सारी चीजें खाते हो ना, ये कहाँ से आती हैं? वो ठेले वाले से, अच्छा सब्जी मार्केट से. और सब्जी मार्केट में ये कौन देने आता है वो सब्जी? हाँ, बहुत सारे फार्मर्स, बहुत सारे किसान हम सबके लिए सब्जी उगाते हैं. क्या आप आपके लिए सब्जी उगाते हो? अच्छा नहीं उगाते तो क्या आप उगाना चाहोगे? देखो वो कितने से लोग हैं और कितने सारे लोगों के लिए सब्जी उगाते हैं, तो क्या हम सबको मिलके थोड़ी थोड़ी अपने लिए सब्जी उगानी चाहिए? आज हम देखते हैं कि हम ये उगा पाएंगे भी या नहीं. घर में कैसे उगाएंगे, इतनी कम जगह है और यहाँ पे तो धूप भी नहीं आती इतनी, फिर हम सब्जी कैसे उगाएंगे? आपके मन में ये सवाल आ रहे होंगे, पर आज हम देखेंगे कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं. पर उससे पहले हम एक सॉन्ग करते हैं, तो आओ आप ये सॉन्ग मेरे साथ करना. आ जाओ. एक बुढ़िया ने बोया दाना, एक बुढ़िया ने बोया दाना, गाजर का था पेड़ लगाना, गाजर का था पेड़ लगाना. एक बुढ़िया ने बोया दाना, एक बुढ़िया ने बोया दाना, गाजर का था पेड़ लगाना, गाजर का था पेड़ लगाना. थोड़ी थोड़ी घास बढ़ी, थोड़ी थोड़ी घास बढ़ी, गाजर हाथों हाथ बढ़ी, गाजर हाथों हाथ बढ़ी. सोचा गाजर तोड़ के लाऊं, सोचा गाजर काट के लाऊं, हलवा गरमा गरम बनाऊं, हलवा गरमा गरम बनाऊं. एक बुढ़िया ने बोया दाना, एक बुढ़िया ने बोया दाना, गाजर का था पेड़ लगाना, गाजर का था पेड़ लगाना. सोचा गाजर काट के लाऊं, सोचा गाजर काट के लाऊं, हलवा गरमा गरम बनाऊं, हलवा गरमा गरम बनाओ. खींची चोटी जोर लगाया, चलो मेरे साथ खींचो सब. खींची चोटी जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया, नहीं बना भाई नहीं बना, नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, काम हमारा नहीं बना. फिर बुढ़िया का बेटा आया, फिर बुढ़िया का बेटा आया. आप सबको क्या करना है, आप अपने घर में सबको बुला सकते हो, जो आपके घर में सब रहते हैं उनको बुलाना. फिर बुढ़िया का बेटा आया, खींची चोटी जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया, नहीं बना भाई नहीं बना, नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना. तो अभी कौन आया था? बेटा. फिर बुढ़िया का पोता आया, फिर बुढ़िया का पोता आया, खींची चोटी जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया, नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना. एक बुढ़िया ने बोया दाना, गाजर का था पेड़ लगाना. फिर बुढ़िया का बुढ़ा आया, फिर बुढ़िया का बुढ़ा आया, खींची चोटी जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया. अब कितने लोग मिलके जोर लगा रहे? चार लोग. कौन कौन है? बुढ़िया, बुढ़िया का बेटा, पोता और बुढ़ा. खींची चोटी जोर लगाया, नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना. फिर बुढ़िया की बेटी आई, फिर बुढ़िया की बेटी आई, खींची चोटी जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया, बन गया भाई बन गया,
हमारा बन गया, बन गया भाई बन गया, काम हमारा बन गया। तो ये था एक गीत किस पर, बुढ़िया ने क्या बोया था, एक दाना, और उसमें से फिर क्या निकली, गाजर, और उनको क्या बनाना था, गाजर का हलवा। तो गाजर को उगने में समय लगता है, फिर उसको हम काट के लाते हैं और फिर क्या बनाते हैं, हलवा। हाँ, तो आज हम कोई ऐसी ही एक कहानी पढ़ने वाले हैं, तो आओ कहानी पढ़ते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी का नाम है द टाइनी सीड, रिटन बाय एरिक कार्ल। इस बुक को पफिन बुक्स ने पब्लिश किया है, और ये बुक का क्या है बच्चों, कवर पेज, और ये क्या है, टाइटल, और ये किसका नाम है, ऑथर का, और ये पब्लिशर का लोगो है। अगर हम इस बुक को टर्न करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या दिख रही है, बुक की थोड़ी और डिटेल दिख रही है, इस बुक की प्राइस क्या है, इस बुक का ISBN कोड क्या है, और ये जो है ये बुक की क्या है, स्पाइन। तो जब भी हम बुक पढ़ेंगे, और अगर हम बुक को पूरा कई बार ऐसे सब मोड़ लेते हैं पूरा, तो वो मोड़ने से क्या होता है, ये जो पेजेस होते हैं जो इसकी स्पाइन में होते हैं, ये फट जाते हैं और बुक डैमेज हो जाती है। इसके लिए जब भी हम बुक को पढ़ेंगे तब इसको इसी तरीके से रखेंगे, इसको और फोल्ड नहीं करेंगे। तो आओ अब हम कहानी पढ़ते हैं, द टाइनी सीड, रिटन बाय एरिक कार्ल। It's autumn. A strong wind is blowing. It blows flower seeds high in the air and carries them far across the land. One of the seeds is tiny, smaller than any of the others. Will it be able to keep up with the others? And where are they all going? Where's the tiny seed? Look at the wind blowing, and the tiny seed is here. One of the seeds flies higher than the others. Up, up it goes. It flies too high, and the sun's hot rays burn it up. But the tiny seed sails on with the others. Look at this seed, it got burned. And where is the tiny seed? It's here. Another seed lands on a tall and icy mountain. The ice never melts and the seed cannot grow. The rest of the seeds fly on, but the tiny seed does not go as fast as the others. So these are icy mountain and seed cannot grow here. Now they fly over the ocean. One seed falls into the water and drowns. The others sail on with the wind, but the tiny seed does not go as high as the others. So look at the tiny seed. One seed drifts down onto the desert. It's hot and dry, and the seed cannot grow. Now, the tiny seed is flying very low, but the wind pushes it on with the others. So, tiny seed is very low, but the wind is pushing it. Finally, the wind stops and the seeds fall gently down on the ground. A bird comes by and eats one seed. The tiny seed is not eaten. It is so small that the bird does not see it. Look at all the seeds here. And the tiny seed is so small that the bird did not see it. Now it's winter. After their long trip, the seeds settle down. They look just as if they are going to sleep in the earth. Snow falls
and covers them like a soft white blanket. A hungry mouse that also lives in the ground eats a seed for his lunch. But the tiny seed lies very still and the mouse does not see it. Look at the mouse eating the seed. But the tiny seed is lying still. Now it's spring. After a few months, the snow has melted. It's really spring. Birds fly by, the sun shines, rain falls. The seeds grow so round and full, they start to burst open a little. Now they are not seeds anymore, they are plants. First, they send roots down into the earth. Then their little stems and leaves begin to grow up towards the sun and air. There is another plant that grows much faster than the new little plants. It's a big fat weed, and it takes all the sunlight and the rain away from one of the small new plants. Oh ho, and that little plant dies. The tiny seed hasn't begun to grow yet. It will be too late. Hurry! But finally, it too starts to grow into a plant. Look at one plant. It just died. And the tiny seed is also growing into a plant. The warm weather also brings the children out to play. They too have been waiting for the sun and springtime. One child doesn't see the plants as he runs along and oh, he breaks one. Now it cannot grow anymore. This plant will not grow anymore. The tiny plant that grew from the tiny seed is growing fast, but its neighbor grows even faster. Before the tiny plant has 3 leaves, the other plant has 7. And look, a bird, and now even a flower. So this big plant, it has 7 leaves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And the tiny plant has only 3 leaves. But what is happening? First, there are footsteps. Then a shadow looms over them. Then a hand reaches down and breaks off the flower. A boy has picked the flower to give to a friend. It's summer. Now the tiny plant from the tiny seed is all alone. It grows on and on. It doesn't stop. The sun shines on it and the rain waters it. It has many leaves. It grows taller and taller. It is taller than the people. It is taller than the trees. It is taller than the houses. And now a flower grows on it. People come from far and near to look at this flower. It is the tallest flower they have ever seen. It's a giant flower. Look here. People have come to see the giant flower. All summer long, the birds and bees and butterflies come visiting. They have never seen such a big and beautiful flower. Birds and butterflies coming to see the flower. Now it's autumn again. The days grow shorter, the nights grow cooler, and the wind carries yellow and red leaves past the flower. Some petals drop from the giant flower and they sail along with the bright leaves over the land and down to the ground.
Oh, wind is taking all the leaves and the flowers. I wonder what will happen now. The wind blows harder. The flower has lost almost all of its petals. It sways and bends away from the wind, but the wind grows stronger and shakes the flower. Once more, the wind shakes the flower, and this time the flower's seed pod opens. Out come many tiny seeds that quickly sail far away on the wind. And what's going to happen now? So this was the story, The Tiny Seed, written by Eric Carl. तो अभी जो हमने कहानी पढ़ी उसमें कितने मौसम आए थे? चार. अच्छा, और किस जगह पर पेड़ उग नहीं पाए थे? सीड तो वहां गिरे थे पर वहां पे पेड़ नहीं उग पाए थे. कहां पे नहीं उग पाए थे और क्यों नहीं उग पाए थे? आप इन सवालों पर सोचना. अच्छा, आप मुझे ये बताओ, क्या सारे बीज पौधे बन जाते हैं या कुछ बीज ही होते हैं जो पौधे बनते हैं? क्या कभी आपने पौधा उगाया है कोई बीज से? आओ आज हम बीज से पौधा उगाएंगे. तो आज की एक्टिविटी में हम देखेंगे कि हम घर पे कैसे छोटे मोटे जो पेड़ हैं उनको लगा सकते हैं. तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने ये दो बॉक्स लिए हैं. अगर आपके पास में पॉट हैं तो आप पॉट को लीजिए, अगर पॉट नहीं है तो कोई बात नहीं. इस तरीके से जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक के जो बॉक्स आते हैं आप उनको भी यूज़ ले सकते हैं. यहाँ पे मैंने धनिया सीड लिया है, कोरिएंडर सीड्स, और ये फेनुग्रीक सीड है, मेथी दाना. चक्कू मैंने लिया है क्योंकि अभी मैं बताऊंगी इसमें हमको छेद करना होगा, और पानी लिया है. एक मैंने यहाँ पे एक में मिट्टी लगा के रखा है आपको बताने के लिए. तो अगर आप इसमें मिट्टी डालेंगे, इस बॉक्स में अगर आप मिट्टी डालेंगे तो आपको यहाँ पे पीछे थोड़े छेद करने पड़ेंगे ताकि इसमें थोड़ा वेंटिलेशन रहे. छेद करने के लिए आप इस चक्कू को हल्का सा गर्म करके भी इस पे डालेंगे तो वो बहुत जल्दी छेद हो जाएगा, नहीं तो आप कुछ इस तरीके से भी हल्का सा इसको बस आपको अंदर प्रेस करना है और इस पे एक छेद हो जाएगा. ये एक्टिविटी आप पेरेंट्स के साथ में करें जहां पे आपको ये होल करना है. जब आप इस तरीके से इसमें ऐसे छेद कर लेंगे उसके बाद में आपको मिट्टी भरनी है. आप इस तरीके से मिट्टी भर लीजिए. मिट्टी भरने के बाद में अगर हम कोरिएंडर सीड्स को यूज ले रहे हैं, धनिया सीड्स को, तो आप इन धनिया सीड्स को हल्का सा क्रश कर लें. देखिए मैंने क्रश किया है तो ये थोड़ा खुल गए हैं. इसी तरीके से आप इनको हाथों से हल्का सा क्रश कर लें, और इनको क्रश करने के बाद में इस पर स्प्रेड कर दें. आप स्प्रेड करते टाइम भी हल्का सा क्रश करते चलिए और इसको बस इस तरीके से इस पे स्प्रेड कर दीजिए. आप ये पॉट में भी कर सकते हैं और इस तरीके से बॉक्स में भी कर सकते हैं. फिर हमको क्या करना है, इस पे हल्का सा, बहुत थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करना है. बस हल्का सा पानी डालेंगे और फिर से अब हमें इस पे मिट्टी की एक और लेयर चढ़ानी है. वो जो लेयर हो वो बहुत कम लेयर होगी, लगभग इतनी हमको वापस से इसके ऊपर मिट्टी लगानी है. तो मैं इस पे दोबारा से मिट्टी लगाती हूँ. तो बस अब मैं इस मिट्टी को लूंगी और इस पे हल्का सा स्प्रिंकल कर दूंगी. आपको इसको फिर हर इसको धूप में रखेंगे हम, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देंगे. ज़्यादा पानी नहीं दीजिएगा, अगर ज़्यादा पानी दे देंगे तो शायद ये पेड़ बढ़ नहीं पाएगा, धनिया उग नहीं पाएगा. इसमें थोड़ा सा पानी देंगे और उसके बाद में इसको 7 दिन के बाद देखेंगे कि इसमें कुछ धनिया उगते हैं या नहीं उगते हैं. जब आप ये डाल देंगे इसके बाद आप क्या कीजिएगा, क्योंकि इसका मॉइस्चर हमको रखना है तो इसके लिए आप इसको ढक देना ऊपर से ताकि इसमें मॉइस्चर रहे और धनिया जल्दी उग जाए. अब मैं क्या करूंगी, इसी से मैं इसको ढक दूंगी ताकि इसका मॉइस्चर बना रहे, और मैं इसको धूप में रखूंगी और लगभग 7 दिनों तक मैं इसको देखती रहूंगी. जब भी पानी की जरूरत रहेगी पानी दूंगी, और जब इसमें धनिया उग जाएगा तब फिर हम इसको हटा सकते हैं.
तो अब हम देखेंगे कि हमारा ये धनिया का छोटा सा पौधा बड़ा होता है या नहीं, और इसके बड़े होने पे जो हमने पूरा प्रोसेस भी जो फॉलो किया है उसको भी नोट करेंगे। तो चलो अब इसे धूप में रखेंगे। और इस तरीके से जो मेथी जब आप डाल रहे हैं तब आपको इसको क्रश करने की जरूरत नहीं है, और आप जब ढक भी रहे हैं पौधों को तो ध्यान रखना कि आप उसको देखते रहें। जरूरी नहीं है कि आपको 7 दिन तक ही उसको ढक के रखना पड़ेगा, उसको अगर आपको लगता है कि वो बढ़ने लग गया तो आप हटा भी सकते हैं। और पानी ज्यादा मत देना, क्योंकि बहुत से पेड़ कब मर जाते हैं जब या तो उनको धूप नहीं मिलती है या हम बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पौधे कैसे बढ़ते हैं। एक मैं और बताती हूँ आपको, जिसमें आप टमाटर का पेड़ उगा सकते हो। बच्चों, आप अपने फ्रिज में से थोड़ा सा गला हुआ टमाटर निकालना, उसको किसी घर में किसी बड़े की मदद से उसको काट लेना। जैसे हम सैलेड के लिए टमाटर की स्लाइसेस काटते हैं, उस तरीके से स्लाइसेस काटना, ठीक जैसे हमने अभी मेथी डाली, धनिया डाला, उसी तरीके से उन स्लाइसेस को रखना, ऊपर से फिर से मिट्टी डालना, थोड़ा सा पानी डालना और उसको कवर करके एक बार धूप में रख देना। देखते रहना वो कैसे पौधा बनता है और कितनी जल्दी टमाटर आते हैं। पर टमाटर के पौधे की ग्रोथ मेथी और धनिये के पौधे की ग्रोथ बिल्कुल अलग होगी। तो आप ये मत सोच के टेंशन करना, अरे धनिया तो उग गया, टमाटर तो उगा नहीं, शायद टमाटर का पौधा मर गया होगा। आप उसकी केयर करना और देखना वो कब उगता है। अगर आपको और डिटेल जानना है तो मैं आपको वो लिंक भी बता सकती हूँ जहां से मैं घर में पौधों को उगाना सीख रही हूँ और समझ रही हूँ। आई होप आपको आज की स्टोरी, सॉन्ग और ये छोटी सी एक्टिविटी अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज देना मत भूलना। थैंक यू।